9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि महाराष्ट्र में अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के विवाद पर सुनाएगा। लगातार जो तारीख थी इस फैसले की वो टाली जा रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा कि शिवसेना किसकी है। आपको बता दें, कोर्ट के फैसले से पहले शिवसेना के वकील कपिल सिब्बल ने बड़ी तैयारी कर ली है। अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो इस पूरे मामले पर उद्धव गुट का पक्ष मजबूत करने के लिए कपिल सिब्बल ने कुछ भारी दस्तावेज हैं जिन्हें इकट्ठा किया है, कुछ भारी भरकम पॉइंट्स हैं जिन्हें तैयार किया है। कपिल सिब्बल का सबसे मजबूत पॉइंट ये है कि ये विधायक अगर इसी तरह से बागी होकर अपनी योग्यता करार करते रहे, अपनी योग्यता का दावा ठोकते रहे, तो कल को प्रधानमंत्री का पद भी मांग सकते हैं। कपिल सिब्बल का दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जब विधायक शिवसेना का हिस्सा नहीं है, बिना किसी दूसरे गुट से मिले सरकार भला कैसे बना सकते हैं। कपिल सिब्बल कोर्ट के सामने दोबारा चुनाव कराए जाने की मांग भी रख सकते हैं। अब देखना होगा इतने मजबूत तथ्यों के आधार पर उद्धव ठाकरे की तरफ से कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने वाले हैं, एकनाथ शिंदे इस मजबूत पक्ष से किस तरह बाहर निकलते हैं, कैसे टक्कर लेते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।